गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। और टर्म वन के बाद हम पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ाई शुरू हो रही है हमारी। तो उसके बाद हमने पढ़ लिया था क्या नाम से वे आंखें तक, पूरा पोर्शन हो गया था। और अब पढ़ेंगे हम क्या नाम से भवानी प्रसाद मिश्र। आज पानी गिर रहा है कविता है उनकी, अच्छी कविता है, क्या नाम, घर की याद करके कविता है, तो उसको पढ़ेंगे। पहले भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म है, हाँ, वो उनका जैसे लिखा करते थे, वो कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से पढ़ के सो, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया करते थे, सीधी सरल और क्या नाम से सहज। तो ये पाठ लिखा उन्होंने घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म क्या नाम से 1913 के अंदर, सन 1913 में टीगरिया गांव है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के अंदर टीगरिया, जो हम होशंगाबाद जाते हैं इधर, क्या नाम से पचमढ़ी गुरु जाते हैं, भोपाल से आगे पड़ता है, इटारसी से आगे होशंगाबाद, वहां पर गांव है टीगरिया, वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनकी रचनाएं हैं जो है सतपुड़ा के जंगल है, जंगल है उधर आसपास पूरा, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ने मम आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान आपको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा, क्या शिखर सम्मान मिला है, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी आपको अलंकृत किया गया, पद्मश्री भी आपको मिला है। और 1985 के अंदर आपका देहलोक गमन हो गया, देवलोक गमन हो गया आपका, आप शांत हो गया, खत्म हो गया आपका ना। तो इस प्रकार से ये जन्म, ये इनका परिचय है। 1913 में जन्म टिगरिया गांव है जो होशंगाबाद पड़ता है, होशंगाबाद के जिले के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है ना। ये है रचनाएं मैंने बताई दी आपको, कौन कौन सी रचनाएं इनकी है। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद, अर्थात सीधा साधा लिखना, सहज लिखना, सरल लिखना है, और अभिव्यक्ति अपने विचारों को सहज भाषा में ही व्यक्त करना, ये आपका व्यक्तित्व रहा है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें प्रमुख थे, अर्थात जब उस समय देश के लिए आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, और विभिन्न क्या नाम से जो साहित्यकार है वो भी अपने साहित्य के साथ साथ, अपने साहित्य लेखन के साथ साथ और देश के लिए जूझ रहे थे, लड़ रहे थे आजादी के लिए। तो उनमें से आपका प्रमुख नाम उनका में जो प्रमुखता से आपने अपने जो हिस्सेदारी निभाई, गांधीवाद पर आस्था रखने वाले, अर्थात गांधी जी के विचारों पर, गांधी जी के चिंतन पर अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय, गांधी साहित्य जो है पूरा गांधी वाङ्मय मतलब गांधी साहित्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है, अर्थात हिंदी खंडों का संपादन कर और क्या नाम से कविता और गांधी जी के बीच से तो काम किया, कविता भी लिखी है, कविता लिखते ही थे ना। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, अर्थात सीधी सादी कविता लिखते हैं, अपने सीधे शब्दों में लिखते हैं और उसको हम आराम से गायन कर सकते हैं, गा सकते हैं, बड़े लय के साथ कविता लिखते हैं और बड़े सीधे सादे शब्दों में लिखते हैं। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से जुड़ता है, अर्थात जिस प्रकार से गांधी जी का चरखा चलता था उसी प्रकार से भी कविता जुड़ती है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोल चाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही गांधी कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है, अर्थात गांधी जी के अंदर जो गद्यात्मक से जो बात करते हैं उनको आप क्या नाम से कविता के रूप में, वाक्य विन्यास को कविता के रूप में आप बदल देते हैं, ये आपके अंदर विशेषता है, आपकी खासियत रही है। इसी कारण उनकी कविता सहज, सीधी, सरल और लोग जनता लोग जो पढ़ते हैं पाठक है उनके करीब रही है, अर्थात आसानी से समझ में आती है, आसानी से उसको क्या नाम से जो पढ़ने वाला पाठक है वो समझ लेता है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं, अर्थात कोई भी विषय लेते हैं समाज में या संसार में, उसे घरेलू बनाते हैं, उसे अपना ही बना लेते हैं, घरेलू बनाते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है, अर्थात इस तरह की जो चीजें हैं हमारे आसपास जो चीजें हैं
जिन पर लिखते हैं वो एक तरह से हमारी हो जाती है। ये जिससे नाम दिया इसके अंदर आंगन का पौधा है, शाम को धूप दिखती, पहाड़ की नीली चोटी भी है, ऐसी जो प्रश्नाएं है ये एक प्रकार से परिवार का अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। बुढ़ापा आता है सबको, आता है बुढ़ापा है, और मृत्यु को प्राप्त होना होता है सबको, होता है सबको मृत्यु आती है। तो ये भी इसमें भी कोई क्या नाम से वो अपना सहज भाव से इसको लिखते हैं और ज्यादा वो अपशकुन नहीं करता इसके अंदर, ज्यादा क्या नाम से कहें उसको बुरा नहीं मानते है ना, अर्थात आत्मेश्वर मिलता है, आत्मता है जोड़ लेते हैं कहने का। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है। प्रौढ़ प्रेम का जो परिपक्व जो प्रेम है उस पर भी आपने कविताएं लिखी है, जिनमें उद्यम श्रृंगारिता के बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। अर्थात जो आराम से कविता लिखते हैं उसके अंदर सहज जो प्रेम है, जो प्रेम की बातें है वही आपने लिखी है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शौक भरपूर है। अर्थात व्यंग्य और क्या नाम से जो क्षोभ दुख, ये क्या नाम से भरपूर उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शौक भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियात्मक न होकर सृजनात्मक है। ऐसा नहीं कोई सुने कोई पढ़े उसके ऊपर क्या आलोचना करे करे, वह सार्वजनिक सबके लिए है। गांधीवाद पर आस्था रखने का उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक व्यक्ति दी है। अर्थात गांधी जी के विचारों पर अपने क्या नाम से भावना रखते हैं, अपना चिंतन रखते हैं और आस्था रखते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने क्या नाम से रचनात्मकता जो सबके लिए है वो अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। घर की याद जो हम कविता इसको पढ़ेंगे, कविता है घर की याद। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है कि घर कितना अच्छा लगता है। हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं और बाहर रहने के पश्चात हम तमाम प्रकार की बातें याद आती है। उसी प्रकार से जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो भी गांधी जी के साथ लगे हुए थे आंदोलन के अंदर, स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर, और उनको भी जेल होती है, जेल में रहते हैं, और जेल में जब पानी गिरता है तो उसमें उनको अकेलापन लगता है और क्या नाम से घर की याद आती है। तो वो अपने मर्म को अपने हृदय को गठ करती है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सहती है। अर्थात जब घर से बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो घर कितना अच्छा होता है, घर के लोग कितने अच्छे होते हैं, घर के साथ रहने का आनंद कितना अच्छा है, ये सारी बातें उनको पीड़ा पहुंचाती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते जाते हैं। अर्थात जो याद करते हैं घर वालों को तो उसमें सब याद आते हैं, माता याद आती है, पिताजी याद आते हैं, भाई बहन याद आते हैं, पूरा परिवार उनके आसपास घूमता रहता है, सब याद आते हैं उनको, सबको याद करते हैं वो। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की कैसे समझना। अर्थात घर में क्या नाम से जो उसकी याद है, अवधारणा है जो कितनी सार्थक होती है, तो ये उनकी जो मर्म को छूने वाली जो बातें हैं वो उनको याद आती है हमेशा, और उसी के रूप में कविता लिखते हैं जिसका नाम है घर की याद। तो शुरू करते हैं कविता को, ये तो कविता के बारे कवि के बारे में पढ़ा हमने, अब कविता शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, अर्थात एक दिन की बात है कि बरसात का मौसम था, समय था, और बरसात में पानी गिरता ही है, सब जगह गिरता है, तो वो जहां थे जेल में थे वहां भी पानी गिर रहा है। अर्थात आज बहुत पानी गिर रहा है, पानी बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भी पानी गिरा, दिन में पानी गिर रहा है, अर्थात बारिश हो रही है। कहने का अर्थ है कि आज पानी गिर रहा है मतलब बरसात बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा, अर्थात पूरी रात पानी गिरा, पूरी रात पानी गिरा, और प्राण मन गिरता रहा। जो मन है वो प्राण है, जो आत्मा है जिसमें क्या नाम से मन है वो क्या नाम से गिर रहा है। क्या गिर रहा है कि उनको ऐसे में पानी के वह गिरने पर या बारिश होने पर उनको घर की याद आ रही है, तो प्राण मन घिरता रहा। अर्थात ऐसे में वो घर को याद करते रहे, घर के लोगों को याद करते रहे, माँ को याद करते रहे, पिताजी को याद करते रहे, बहनों को याद करते रहे, भाइयों को याद करते रहे, और जो भी आसपास के जो उनके लोग थे उन सबको याद करते रहे हैं। इस प्रकार से आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, पूरी रात हो गई है, पूरा दिन हो गया है, रात भर गिरता रहा पानी, दिन में गिर रहा है, और प्राण मन गिरता रहा है, अर्थात जो मन है वो भी गिर रहा है। किससे गिर रहा है? घर के लोगों की याद से ना, सबको याद कर रहे हैं, घर के लोगों को याद कर रहे हैं।
बहुत पानी गिर रहा है, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज की बारिश है, बहुत तेज पानी गिर रहा है। घर नजर में तिर रहा है, अर्थात जो घर है उनका, वो उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो घर है वो उनको दिखाई दे रहा है, घर नजर में तिर रहा है, तैर रहा है। ऐसा है कि तैरता नहीं है लेकिन तिर रहा है, पानी गिर रहा है। ऐसा घर में भी पानी गिर रहा होगा, है, लोग अंदर होंगे और पानी बाहर बहुत बह रहा होगा, तो घर नजर में तिर रहा है, अर्थात उनका जो घर है वो उनकी आंखों के सामने, नजरों के सामने तिर रहा है। अर्थात आज बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज पानी गिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है। अर्थात क्या कहते हैं वो कि घर मेरे से दूर है, क्योंकि मैं तो जेल में हूँ और जेल से घर काफी दूर है, तो घर खुशी का पूर है, अर्थात सारी खुशियां वहां पर, पूरा परिवार वहां पर है, सभी लोग वहां पर है, एक भाई एक लड़का यहाँ इधर है, तो सारे वहां पर इकट्ठे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं और खुशी से भरा भरा पूरा है। बहने भी आई हुई है, भाई भी आई हुए है, लेकिन उनको दुख है, तो किस बात का है कि उनका एक भाई वहां पर नहीं है, है? तो बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, आज बहुत पानी गिर रहा है, घर उसकी आंखों के सामने तैर रहा है, घर की मुझसे दूर है, अर्थात जहाँ से मैं जेल में हूँ वहां से मेरा घर काफी दूर है। घर किसी का पूर है, जो अर्थात घर में सब सुख संपन्न रहता है, सब सारी संपन्नता है, कोई कमी नहीं है, है? केवल कमी है तो उनके एक बेटे की, एक लड़की की है जो जेल में है, है? बाकी खुशी से भरपूर है, सब बहन भाई सब संपन्न है, समृद्ध है, घर परिवार सब संपन्न है, समृद्ध है। घर की घर में चार भाई, क्या घर के अंदर चार भाई, कितने भाई है, चार भाई, घर की घर में चार, घर ऐसा है यहाँ पर चार भाई है, है? और मायके में बहिराए, और मायके जो अपना जो पीहर है तो बोलते हैं मायका, माय माता पिता का मकान घर, वहां पर उनकी बहन आई हुई है, अर्थात उसकी शादी हो गई है, लेकिन शादी के पश्चात भी वो क्या नाम से उनके घर पर आई हुई है, मिलने आई हुई है कि भाई उनका नहीं है। घर की घर में चार भाई, अर्थात जो घर है उस घर के अंदर उनकी चार भाई है, और मायके में अपने जो माता पिता का मकान है वहां पर उनकी बहन से मिलने आई हुई है। बहन आई बाप के घर, अर्थात बहन जो है उनके अपने पिता के घर आई हुई है। हाय रे परिताप के घर, हाय रे परिताप मतलब दुख है, दुख नहीं है वैसा, और कोई दुख नहीं है, और किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख है तो यह है कि उनकी बहन, उनका भाई एक माँ नहीं, वो जेल में है, अर्थात इस बात का दुख है, इस बात की पीड़ा है पूरे परिवार को, और पूरी परिवार को पीड़ा, पूरी परिवार को वेदना का जो घर है वहां पर वो मिलने आई है। ठीक है भाई, घर की घर में चार भाई, अर्थात पूरा घर है, बराबर पूरा घर है, यहाँ उनके चार भाई है, और मायके में अपने माता पिता के यहाँ, अब ससुराल से उनकी बहन आई हुई है मिलने के लिए, बहन आई बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने जो माता पिता के यहाँ पर वो बहन अपने ससुराल से आई हुई है। हाय रे परिताप के घर, अर्थात हाय दुख है, पीड़ा है, किसकी परिताप है, वेदना है, कष्ट है, कष्ट क्या है कि उनका एक भाई वहां पर आज नहीं है, वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल गया हुआ है, देश के लिए काम कर रहा है, देश की भावना को देखते हुए देश के लोगों के साथ वो भी जेल में गया हुआ है, उसको जेल मिली हुई है। घर की घर में सब जुड़े हैं, अर्थात घर जो भी है जिस घर में वो रहते हैं वहां सब जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब एक दूसरे से आत्मा रखते हैं, सब एक दूसरे से आत्मी भाव रखते हैं, है? घर की घर में सब जुड़े हुए, अर्थात भाई से भाई है, माँ बाप है, सब में आपस में एक दूसरे का प्रेम है, है? और सब की इतने कर जुड़े हैं, अर्थात तो जो अभी जितना जुड़े हुए हैं, अभी जितना प्यार है उन लोगों में, जितने सम क्या नाम से आत्मीयता है, उतनी आत्मीयता से पहले नहीं जुड़े हुए, पहले जुड़े हुए लेकिन इतने करीब अब आजकल है, क्योंकि उनका एक भाई वहां नहीं है, है, एक भाई उनका जेल में है। चार भाई चार बहन, अर्थात चार भाई है उनके और चार बहन है, परिवार में कितने हैं, चार तो भाई है और चार बहने हैं। बुझा भाई प्यार बहने, अर्थात बुझाओं के समान, एक दूसरे के काम आने वाले, एक दूसरे के लिए तैयार रहने वाले, एक दूसरे को मदद करने वाले, एक दूसरे को सांत्वना देने वाले, वो उनके चार भाई है, उनको अखड़ता नहीं है क्योंकि उसको बुलाओ उसको बुलाओ, चार भाई काफी हुआ है ना, और चार बहने, बहने भी उनके चार है, जो भी बड़े वो प्यार है, उनको बड़ा प्यार देती है, वो भी प्यार करते हैं, बहनों को प्यार करते हैं, बहने भी उनको प्यार करती है, आपस में बड़े प्यार और बड़े खुशहाल जो परिवार है उनका, बहन भाइयों का वो है उनके परिवार में, है ना। तो दोबारा देख लो उसको, घर की घर में सब जुड़े हैं, घर
ऐसा है जहाँ पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए, सब एक दूसरे से लगाव रखते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, अर्थात जुड़े हैं लेकिन इतने नहीं जुड़े हैं जितना आजकल जब मैं वहां नहीं हूँ तो इतना उनमें प्यार बंधा हुआ है। सारे प्यार में बंधे हुए, सारे क्या नाम से सद्भावनाओं में बंधे हुए, सारे क्या नाम से आत्मीयता में बंधे हुए हैं। चार भाई चार बहने, अर्थात चार भाई उनके और चार बहने हैं जो प्यार बहने हैं, अर्थात बहनों में बहुत प्यार है, बहनों और भाइयों में बहुत प्यार है, भाइयों और बहनों के प्रति बहुत प्यार है और भाइयों भाइयों में बहुत प्यार है, अर्थात भुजा भाई अर्थात भुजाओं के समान है, जिस प्रकार से मदद करते हैं कोई है, भुजा भाई प्यार बहने, अर्थात भाई भाई किसका प्रतीक है, भुजाएं है, भुजा होता है हाइये हाथ है, हाथ में जो आने भुजाएं, तो भुजाओं के समान उनके भाई है और प्यार बहने, जो प्यार है प्यार का प्रतीक है, प्यार का पर्याय है वो उनकी बहने हैं। और माँ बिन पढ़ी लिखी मेरी, और माँ बिन पढ़ी लिखी, घर में माँ है, माँ बिन पढ़ी लिखी, उसमें स्त्रियों को कम पढ़ाते थे, पढ़ती नहीं थी बालिकाएं तो शादी कर देते थे है? तो उनकी जो माँ है वो एक प्रकार से बिन पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी नहीं है, कहने का अर्थ ये पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह घड़ी मेरी, अर्थात मेरा आज उनका एक बेटा वहां नहीं है इसलिए वो दुख में घड़ी हुई है, है? सारे बेटे वहां है, सब कुछ वहां है, सारा सुख वहां है, लेकिन उनका एक पुत्र आज घर पर नहीं है, तो उस पर पुत्र का वहां न होना उनका लिए बड़ा दुख है, अर्थात दुख में घड़ी वह घड़ी मेरी, अर्थात मेरे मेरे दुख में कि मैं वहां पर उनके साथ नहीं हूँ, माँ के साथ नहीं हूँ, ये प्रकार का दुख है उनको। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं, अर्थात माँ तो माँ होती है, माँ की गोद में अगर कहीं भी से हम आते हैं जाते हैं कोई कष्ट में होते हैं और घर जाकर के माँ की गोद में हमने सिर रख लिया तो क्या नाम से सारे दुख गायब हो जाते हैं, कोई दुख नहीं है। तो माँ की जिसकी गोद में सिर, अर्थात जिसकी गोद में सिर डाल दिया, रख दिया, लेट गए तो सारा दुख गायब हो जाता है, रख लिया तो दुख नहीं थी, तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, चाहे कितना बड़ा दुख हो, चाहे कितने बड़ा संकट हो, कितने बड़ा परिताप हो, कितनी बड़ी वेदना हो, लेकिन माँ की गोद में अगर आपने सिर रख दिया तो, और माँ ने अपना हाथ रख दिया सिर पर, तो सारा दुख गायब, कोई दुख आपके जीवन में नहीं है। ठीक है, दोबारा देख लो उसको। और माँ बिन पढ़ी लिखी मेरी, अर्थात जो मेरी माँ है वो बिन पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षा ज्ञान उसको नहीं है, समझ है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं उसको, है ना। दुख में वह ये घड़ी मेरी, अर्थात दुख के अंदर क्या नाम से दुख में वह घड़ी मेरी, अर्थात दुख में आज उसको बड़ा दुख है, उसको इस बात का दुख है कि उसका एक बेटा आज उसके साथ नहीं है। माँ की जिस गोद में सिर रख लिया तो दूर नहीं, अर्थात माँ एक ऐसी चीज है, माँ एक ऐसी प्राणी है, माँ एक ऐसी आत्मा है कि जिसकी गोद में अगर हमने सिर रख लिया तो फिर वो क्या नाम से दुख गायब है, फिर दुख नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा जीवन में दुख हमारे आ जाए लेकिन माँ की गोद में सिर रखने के पश्चात हमारे अंदर का दुख सब गायब हो जाता है। माँ की जिसकी सरे धारा का यहाँ तक भी पसारा, अर्थात उनका जो प्यार है, उनकी जो आत्मा है, उनका जो क्या नाम से स्नेह है, वो यहाँ तक फैला हुआ, उसने मुझे यहाँ तक पकड़ रखा है, यहाँ तक जोड़ रखा है। माँ की जिसकी स्नेह धारा, अर्थात स्नेह की धारा जो बती हुई आ रही है, वो यहाँ तक फैली हुई है, अर्थात उनका प्यार सबसे ज्यादा प्यार हमको माँ याद आ रही है, उसको याद आ रही है, हमको भी आती है, सबको आती है, आपको भी आती है, सबको आती है, अर्थात माँ की याद सबको आती है। माँ ही एक ऐसी वो है जो अपने बच्चों पर सच्चा प्यार देती है, और प्यार है भाइयों का प्यार है, बहनों का प्यार है, पिता भी प्यार करता है, लेकिन माँ का प्यार होता है, अर्थात उसके जो प्यार की जो धारा है, उसके प्यार का जो स्नेह है, वो यहाँ तक फैल रहा है, पसर रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाला, अर्थात वो बिन पढ़ लिख बताया ना, और माँ बिन पढ़ी लिखी है मेरी, अर्थात स्कूल नहीं गई है, शिक्षा का ज्ञान उसको नहीं है, अक्सर निरक्षर है वो, है इसे पत्र लिखना नहीं आता, अगर पढ़ी लिखी होती तो पत्र लिखती है, अपनी बात अपनी भावनाओं को भेजती लिख के कि भाई बेटा कब आ रहा है, तू कब छूटेगा जेल से, है तेरी बहुत याद आ रही है, तो उसका पत्र मुझे मिलता, मैं पाता और उसको पढ़ता, तो उसको लिखना नहीं आता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक भी पसारा, उसके जो प्यार की धारा है, प्यार का जो स्नेह है,
प्यार की क्या नाम से धारा है बह करके यहाँ तक आ रही है। मतलब धारा से मतलब है कि उसका स्नेह है मुझे यहाँ तक जोड़े रखा है, पकड़ रखा है मुझे ना है। और उसको माँ को लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, लिखना पढ़ना आता तो मेरे लिए पत्र लिखती और उसका पत्र मुझे प्राप्त होता और उस पत्र को मैं पढ़ता और उसकी बातों को मैं सुनता समझता, अपने मन की बातों मेरे को लिखते है, अपने मन की बातों को भावों को लिख करके मेरे तक भेजते तो मैं भी उसकी बात को भावना को समझ पाता, लेकिन वो नहीं संभव नहीं है। इस तरह की माँ है, ठीक है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी कैसे हैं, पिताजी वृद्ध है लेकिन उनको जीवन में बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात बुढ़ापे मतलब वो आज भी मर्दानों जैसे जवानों जैसे काम करते हैं है? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात वो समझते नहीं है कि बुढ़ापा क्या होता है, अर्थात बुढ़ापे में भी जवानों जैसे काम करते हैं, उनको बुढ़ापा व्यापता नहीं है, अखड़ता नहीं है, बुढ़ापा लगता नहीं है उनको, मेरा जीवन में जो बुढ़ापा आ गया है वो उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं करते बुढ़ापे की ना। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलना है, अर्थात उनसे कह दो वहां तक जाना दौड़ के, तुरंत चले जाएंगे दौड़ के है, और खूब खिलते हैं, खूब हंसते हैं, खूब मस्ती करते थे है? करते हैं है? पिताजी, पिताजी के बारे में कहा है इसमें कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा था, ऐसे पिताजी है मेरे जिनको बुढ़ापा आज तक नहीं आया है। बुढ़ापा उम्र तो हो गई है लेकिन जिस उम्र में बुढ़ापा आना चाहिए लेकिन उनको बुढ़ापा आया नहीं है व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाए उनसे कह दो कि वहां तक दौड़ के जाना है, तुरंत उठेंगे और तुरंत दौड़ करके वहां तक पहुंच जाएंगे है? और खूब खिलाएंगे, खूब हंसेंगे, खूब मस्ती करेंगे है? इस तरह का उनका व्यक्तित्व है, इस तरह का उनका चरित्र है, इस तरह के मेरे पिताजी है। ये पिताजी के बारे में कहा उसने, पिताजी के बारे में लिखा है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा था, एक क्षण के लिए भी उनको बुढ़ापा कहीं नजर नहीं आता है कि बूढ़े हो गए हैं, इनकी उम्र ढल गई है या क्या नाम से इन्होंने इतनी उम्र पाली है, ऐसा व्याप्त नहीं होता है। जो अभी भी दौड़ जाए उनसे कह दो दौड़ने के लिए दौड़ जाएंगे और खूब खिलखिलाएंगे, खूब हंसेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब खुल के हंसेंगे। तो इस तरह पिताजी मौत के आगे न हिचकी, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, चाहे कितनी बड़ी रिस्क हो, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो, चुनौती हो, उसको स्वीकार करते हैं वो ना। शेर के आगे नहीं हिचकी, सामने शेर भी आ जाए तो डरते नहीं है, शेर भी आ जाए उनके सामने तो बच के नहीं, बच के भगेंगे नहीं, बिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं है, उसका ही मुकाबला कर लेंगे। बोल में बादल गरजता, जब बोलते हैं आवाज करते हैं अपनी बात को कहते हैं तो जैसे कोई बादल गरज रहा हो, जैसे बादल गरजता है उस तरह से उनकी आवाज आती है। काम में झंझा दरजता, अर्थात जब भी काम करते हैं तो जैसे कोई तूफान आ गया हो है, ऐसा काम करते हैं, थोड़ा 10 दिन काम एक दिन कर देते हैं, कहने का अर्थ यह है कि बड़े से बड़े काम को भी आराम से झंझा लजर झंझा होता है क्या ना, तूफान जलसता, जैसे काम में लगे तूफान आ गया हो तुरंत काम कर देते हैं, इस तरह के पिताजी है। दोबारा देख लो, मौत के आगे नहीं हिचकते, अर्थात मौत से भी डरते नहीं है, हिचकते नहीं है, कैसा भी बड़ा कैसा भी क्या काम हो उस काम को करते हैं। शेर के आगे नहीं हिचकते, अर्थात शेर भी आ जाए तो उस शेर के आगे वो अभी 11 पढ़ा रहा हूं मैडम, मैं अंशुमान और क्रिश 11 क्लास पढ़ा रहा ना, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है, झंझा दरस्ता है ना, कल इस कविता को पढ़ेंगे।